Hello, assalamu alaikum ji. Waalaikum assalam. Ji. Assalamu alaikum. Ji. Assalamu alaikum. जी वो नीचे से गन्ने की मानद होता है या काटने की तरह होता है गन्ने की मानद अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले वो कह रहे हैं ये तो जस्ट सब्स्टिट्यूट है फार्मर का अदरवाइज इसका बेनिफिट कोई नहीं और इससे दूध भी नीचे और ये नीचे काटने की शक्ल में है गन्ना नहीं है आप जो बताते हैं कि वो तो दूध वाला दवा है और नीचे गन्ना है वो बड़ा फ्रूटफुल है नहीं ये मेरी अर्ज मेरी नहीं 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 अर्ज सुन लेना काना और गन्ना वो हो सकता है इनके पास जो सीड हो वो बारीक हो अभी कई दफ़ा जड़ें भी मिल जाती हैं इसकी रूट्स कलमे वही वही कलमे ले लेना तो वो लगाएं और आप एतबार करें हमारी रिसर्च पे रिसर्च इस पे बहुत ज़्यादा की है और एनएआरसी में मॉट ग्रास बहुत लगा हुआ है और बड़ी रगबत से ये भैंसें और गाय वगैरह ये खाती हैं इसको तो आप मेरे जब प्रोग्राम्स देख मेरे आप प्रोग्राम्स देखेंगे तो उसमें बाकायदा वो मैंने दिखाया हुआ है जब जो ही हम छोड़ते हैं तो वो खेतों में जाती हैं तो खूब जबरदस्त तरीके से खाती हैं ठीक है अच्छा, रोड ग्रास और है मॉट ग्रास है रोड ग्रास आपको हाँ हाँ वो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं आप वो अगर कोई देख लें अगर वो उसकी सीड अवेलेबल होगा वहाँ पे भी मिल जाएंगी उसकी कलमें या जड़ें इसका तो बीज मिलता है जैसे बरसीम की तरह होता है बरीक सा बीज होता है चटने के साथ ही बता रहे थे दोनों तरह ही में होता है लेकिन ज़्यादातर तो बीज मिलता है लेकिन वो उसके साथ मिला के मिक्स करके किसी चीज़ के साथ तो फिर करते हैं ना राख में या कोई वो रेत के अंदर हाँ वो देख ले पूछ ले दरार या मेरा प्रोग्राम देखे रोड ग्रास पे भी मैंने पूरा फुल पूरे उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दी हुई है अच्छा आखिरी बात ये है कि हमने वो किया है आपका वो बंदा जी 25% आपका बंदा जो आपने दिया हुआ है ना कल बना हुआ 25% हाँ जी 45% जी 10% नहीं उसको फार्म हाँ हाँ फार्मूले को छोड़े क्या मसला क्या है अच्छा ये है कि वो उसका बिल्कुल ब्राउन सा जैसे गुड़ का वो बन गया तेल पशीरा था इस तरह की चीज बन गई और पैसे कल भी नहीं खाया आज भी वो अजीब सा उसको स्मेल शायद आ रही है उसकी शीरे की है या कलोटन रहते हुए उस वाला कहते कलोटन ये बढ़ती भाई पर बहुत से आला नहीं मेज ग्लोटन उधर से ही लाए थे फैसलाबाद अपना रफान वालों से रफान उसकी स्मेल उसके अंदर से आ रही है या हीरा के शीरे की वजह से शीरे की आ रही है गुड़ की नहीं होती हाँ शीरे की होती है जाहिर वो मलेसेज है पुराना हो जाता है ना थोड़ा तो शीरा राब उसकी आती है तो आ जाएंगे वेट करें या इसमें कोई क्या हेलो लगता है कट गई है कॉल हेलो एक सेकंड होल्ड करें आपकी फैसलाबाद वाली तो नहीं है कॉल जो कटी है अभी हैं आपकी फैसलाबाद वाली कॉल तो नहीं कटी है आपकी तो नहीं है अच्छा बस होल्ड करें आप मैं उसको सेव कर लूँ